हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं व्हाट इफ के बारे में। किसी व्यूअर ने कहा था कि सर व्हाट इफ के बारे में वीडियो बनाइए। सो गाइस, क्या होता है व्हाट इफ? आई एक सिचुएशन देता हूं फ्रेंड्स। मान लीजिए दो सहेली आपस में बात कर रही, एक बोलती है यार मैं तो उसी से शादी करूंगी, तो दूसरी कहती है अगर उसने तुमसे शादी नहीं की फिर। यहां पे अगर ऐसा सेंटेंस आके रुक जाए, जैसे आपने बोला यार वो मुझे 5000 रुपए दे देगा, किसी ने बोला अगर उसने 5000 रुपए नहीं दिए तो नहीं दिए तो नहीं दिए फिर, इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाए फ्रेंड्स तो आप व्हाट इफ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, बोला भैया कितने महीने में अंग्रेजी सीख जाऊंगा, उसने बोला कि आप 3 महीने में सीख जाएंगे, आपने बोला अगर 3 महीने में नहीं सीखा तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों व्हाट इफ का। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा और ट्रांसलेशन कैसे होगा फ्रेंड। आइए, सो गाइस, सेंटेंस है कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, यानी कि इसके बाद और भी सेंटेंस होगा कि तुम क्या करोगे ये वो, बट यहां तक का जो सेंटेंस है उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा फ्रेंड्स। जैसे सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है दोस्तों व्हाट से, ये रहा ये व्हाट, उसके बाद आपको लगाना है इफ। इस व्हाट इफ में सारी फीलिंग आ गई कि नहीं किया तो, ये वाली सारी फीलिंग आ गई। अब हिंदी में तो आए चाहे फिर आए, सिचुएशन आप देख लीजिए व्हाट इफ। इसके बाद दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम चलाना है। अगर वो पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट, और पता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वो ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस आपको लगाना होगा फ्रेंड्स। यानी कि अगर ऐसा बोलना हो कि अगर वो तुम्हें अरेस्ट कर ले तो, मान लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस है तो व्हाट इफ ही अरेस्ट यू, अगर वो अभी यहां आ जाए तो व्हाट इफ ही कम्स हेयर राइट नाउ, तो कम्स हमने बोला फ्रेंड्स, तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ख्याल रखना है, ही शी के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, और अगर वो नेगेटिव के अंदर है तो सब्जेक्ट, आई वी यू दे प्लूरल के साथ डोंट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही शी है उसके साथ डजंट। यानी कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो नहीं की तो डजंट मैरी करके आपको बोलना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको एस या ईएस नहीं लगाना है फ्रेंड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो लोग टेंस जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, जो नहीं जानते उन्हें शायद प्रॉब्लम हो। सो गाइस, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो सबसे पहले बोलिए व्हाट इफ ही, ये सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव है तो ही, अब ही के साथ आपको डजंट लगाना है दोस्तों, तो आप लगाइए डजंट। What if he doesn't marry you? यानी कि शादी करना, first form. तो आपको एक पूरा sentence है. What if he doesn't marry you? Question mark. उसके बाद अगला देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो, आपने बोला प्लीज मेरी मदद करो तो, मैंने बोला अगर ना करूं तो, तुम कैसे बोलेंगे? What if, अब मैं है तो मैं के साथ आई, चूंकि नेगेटिव है तो आई के साथ डोंट लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप डोंट लगाइए। व्हाट इफ आई डोंट हेल्प यू, तो आपका पूरा सेंटेंस है व्हाट इफ आई डोंट हेल्प यू, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूं तो। सो गाइस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा बोलना है कि अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो बोलेंगे व्हाट इफ शी डजंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, अगर वह इस वक्त यहां आ जाए तो व्हाट इफ शी कम्स हेयर राइट नाउ, अगर तुम एग्जाम में पास नहीं हुए तो व्हाट इफ यू डोंट पास द एग्जाम, अगर तुम्हें सैलरी नहीं मिली तो व्हाट इफ यू डोंट गेट योर सैलरी, अगर उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाया तो व्हाट इफ शी डजंट कुक फूड फॉर यू। So guys, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।
वेल गाइस, इस पर आप सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए. टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.